तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कि कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे नोट शेयर करने का ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। अगर ये वाला ऑप्शन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं मिला तो कैसे आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नोट शेयर करने का ऑप्शन जो है इनेबल कर सकते हो। तो क्या, चलिए यहाँ से आप लोग को पहले दिखा देते कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नोट्स शेयर कैसे कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से आपको कुछ भी नोट टाइप कर लेना और यहाँ से आप लोग को शेयर के ऊपर में क्लिक करना है। तो चलिए, जैसे ही आप लोग यहाँ से शेयर के बटन के ऊपर में क्लिक कर तो आपका जो नोट्स होता है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये वाला फीचर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कैसे ला सकते हो। तो आप लोग को वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, यहाँ से मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोग को क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर में क्लिक करना। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी जो इंस्टाग्राम की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग देख सकते हो, लेकिन इसमें आपको कुछ फीचर नहीं मिलते। तो वो वाला फीचर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कैसे ला सकते हो, सिंपली आपको यहाँ से अकाउंट प्राइवेसी के ऊपर में क्लिक कर लेना और अपने अकाउंट को प्राइवेट में कर लेना। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट में नहीं हो रहा। तो सिंपली आप लोग को कैसे करना, सिंपली आप लोग को यहाँ से बैक हो जाना है। तो आप लोग को नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर लेना। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है स्विच अकाउंट टाइप, तो सिंपली आपको यहां से स्विच अकाउंट टाइप के ऊपर में क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप लोग यहां से स्विच अकाउंट टाइप के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपको यहां से कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आप लोग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल में कर लेना। तो चलिए यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मैसेज एंड स्टोरी रिप्लाई, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो शो एक्टिविटी स्टेटस, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से ऑफ कर देना। तो चलिए, यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन यहाँ से इस पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन को आपको ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। ये वाली सेटिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद आपको आपको सबसे लास्ट में ये वाली सेटिंग करनी है। तो सिंपली आपको बैक हो जाने के बाद आप लोग को फिर से सेटिंग में देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको एक देख सकते हो एक नया फीचर देखने को मिल जाता है अकाउंट टाइप्स एंड टूल, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाते हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपको यहाँ से स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, बस कंटिन्यू करते जाना है। तो चलिए, यहाँ से आप लोग को कंटिन्यू करते जाना। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो व्हाट इज द डिस्क्राइब यू, तो आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना। तो आप लोग यहाँ से कोई सा भी एक को चूज कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ से मैं क्रिएटर को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप लोग को चूज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं क्रिएटर और बिजनेस, तो सिंपली आप लोग को यहाँ से क्रिएटर पे रहने देना और सिंपली आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करते हो तो आपकी जो सारी सेटिंग हो तो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। तो उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को दो तीन बार रिफ्रेश कर लेना। तो चलिए, यहाँ से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपके भी इंस्टाग्राम अकाउंट में नोट्स वाला फीचर जो है वो आ जाएगा। तो सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक बार से बैक कर लेना, उसके बाद दोबारा से आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना। तो जो ओपन करने के बाद आप लोग यहां से देख सकते हो आपके इंस्टाग्राम में भी ये नोट्स वाला फीचर जो आ जाएगा। तो वीडियो कैसे ली कमेंट जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वाले फीचर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनेबल कर सकें।